हेलो गाइस, तो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ये रजनीगंधा का प्लांट। और देखने में इतना खूबसूरत है, देखिए कैसे फैला हुआ है, काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है। काफ़ी जगह चाहिए इसको रखने के लिए। ये सिर्फ 6 इंचज पॉट में लगाया हुआ है मैंने फ़िलहाल तो, लेकिन इसके बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। और ये प्लांट ग्रो होता है ट्यूबर से, और ट्यूबर से फिर जैसे होते हैं ना पीस लिली के, या फिर कैला लिली के, कैना लिली के, या फिर और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो नीचे से और ग्रो होते रहते हैं अपने आप ही। बेबी प्लांट्स ऐसे ही बेबी प्लांट्स इसके आते रहते हैं। ये देखिए, ये एक सेपरेट प्लांट है, यहाँ से निकला है। और ये वाला प्लांट जो मैंने लगाया था, आई थिंक तब ये प्लांट चल रहा था, बिल्कुल छोटा सा था, मतलब कि प्लांट ही लिया था मैंने, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। वो पूरी मतलब कि होती है ना जो ठंड बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता वो दिसंबर का महीना था, दिसंबर, हाँ दिसंबर के महीने में मैंने लिया होगा शायद। तो वैसे ये फ्रॉस्ट में ये प्लांट चलता नहीं है, ज़्यादा ठंड में नहीं सर्वाइव करता, तो एक शेड में था ये। तो उसके बाद ये प्लांट जैसे कि चलता रहा चलता रहा, तो सिर्फ ये वाली पत्तियाँ थी, ऐसे ये वाली पत्तियाँ थी और छोटी थी, इतना ज़्यादा नहीं फैला था ये। तो सारा इतना इसकी जो ग्रोथ हुई है ना, ये स्प्रिंग सीजन के बाद बाद हुई है। आज तो होगी 16th of May, तो अब पूरा मतलब कि काफ़ी मुझे लग रहा है कि इसको काफ़ी स्पेस चाहिए रखने के लिए। और मुझे पहले ही ना इसको बड़े पॉट में रिपोर्ट कर देना चाहिए था, मुझे ऐसे लग रहा है अब, क्योंकि इसके बेबी प्लांट्स भी निकल रहे हैं। और ये देख रहे हैं काफ़ी, ये पत्तियाँ भी ऊँची भी हैं और लंबी लंबी ऐसे फैल रही हैं, फाउंटेन की तरह ऐसे ऐसे गिर रही हैं। और ये अब जाके इसकी निकली है स्टॉक। ये देखिए, ये पहले तो लीव्स ही होती हैं, कोई स्नो हार्ड स्टेम नहीं होती, लेकिन अब जाके इसकी हार्ड स्टेम हुई है। और यहाँ से निकलेगा, ये वाइट फ्लावर्स निकलेंगे, यहाँ स्टॉक निकलेगी, काफ़ी जल्दी निकल जाएगी अब तो, और फिर इसके निकलेंगे वाइट वाइट फ्लावर्स। लेकिन इसकी शेप बहुत प्यारी है, और जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादा सर्दियों में नहीं ये प्लांट इतना चलता, एक डोरमेंसी पीरियड ही होता है। लेकिन जैसे स्प्रिंग सीज़न आता है, ये काफ़ी पत्तियाँ निकालने लग जाता है। और फिर मेरे अकॉर्डिंगली, मुझे जो मेरे मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, अब मई में जाके इसकी फ्लावरिंग हो जाएगी विद इन फ्यू डेज़। और कोई फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ नहीं दिया, बस सिर्फ एक 6 इंच का पॉट है, सॉइल है, और जो इसको टेम्परेचर चाहिए वो मैं मेंटेन करती हूँ इसके लिए, शेड में रखती हूँ, ज़्यादा धूप में नहीं रखती, ज़्यादा धूप में इसकी टिप्स ख़राब हो जाती हैं और प्लांट इतना चलेगा भी नहीं। और प्लांट, ये वाला प्लांट है नेटिव मेक्सिको का, वहाँ का मेनली ये प्लांट है। और इंडिया में भी इसके यूज़ होते हैं, बांग्लादेश में भी काफ़ी यूज़ होते हैं, आपको पता ही है। ये वाइट फ्लावर रजनीगंधा के बहुत अच्छे फ्रेगनेंस वाले फ्लावर्स होते हैं, काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस होती है इनमें। और हमारे यहाँ जो इंडिया में यूज़ होता है, वो गार्लैंड बनाने में, माला बनाने में, जो कि हम देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, वहाँ यूज़ होते हैं। और उसके अलावा ये प्लांट यूज़ होता है शादियों में, और पहले तो एज ए फ्यूनरल पे भी लोग चढ़ाते थे इसे तो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये मतलब कि शादियों में भी यूज़ होता है। और इसमें भी 2 वेराइटीज़ आती हैं, उसका मैं अभी नाम भूल गई, 2 नाम थे, एक तो डबल पेटल वाले का नाम कुछ और था, और एक का नाम कुछ और था, 2 टाइप के होते हैं। तो जो ज़्यादा होते हैं पेटल्स इसमें, वो ज़्यादा ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए वो यूज़ होते हैं, तो डेकोरेशन वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है। और ये प्लांट इंडोनेशिया में, हाँ वो मैं बताना भूल गई थी, इंडोनेशिया में ये प्लांट एज ए कुकिंग में भी यूज़ किया जाता है। तो वो मैंने सर्च ही किया था कि इंडोनेशिया में इसे कुक करके, मतलब कि एडिबल भी मीन्स है ये, लेकिन हम, मुझे नहीं पता वो किस तरीके से खाते हैं, कैसे बनाते हैं, करते हैं, क्या रेसिपी है उसकी, लेकिन वहाँ वो लोग इसको यूज़ करते हैं कुकिंग में ये प्लांट। और आप इसे सेपरेट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन अभी नहीं, अभी तो ये वाला प्लांट काफ़ी छोटा है। जैसे जैसे आपके जैसे प्लांट्स बढ़ते रहेंगे, अभी और भी, ऐसे तो है नहीं कि एक ही बेबी प्लांट निकलेगा, बेबी प्लांट्स काफ़ी निकलेंगे इसमें, और काफ़ी हेल्दी प्लांट ये हो चुका है।
तो वो देखने में लग रहा है काफ़ी जैसे ग्रीन ग्रीन, बहुत डार्क ग्रीन नहीं होती, थोड़ी सी डल ग्रीन होती हैं इसकी लीव्स, बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं होती हैं। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है प्लांट का, ओवरऑल जो शेप है वो बहुत प्यारी है, कैसा फैला हुआ है ये देखिए, ऐसे पत्तियाँ फैली हुई हैं और ऊपर से निकलेंगी वाइट स्टॉक्स। वो मैं जैसे जैसे जो जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा इसके साथ वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि स्टॉक कितने टाइम तक रहती है या फिर कितनी स्टॉक निकालता है। तो वो तो मेरा ही फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये क्या लगा हुआ है, मकड़ी मकड़ी मकड़ी। तो रही बात पानी की, पानी मैं ऐसे रेगुलर बेसिस पे देती हूँ, लेकिन ओवर वाटरिंग से आपको बचना चाहिए। जो भी राइजोम से या फिर ट्यूबर से प्लांट ग्रो होते हैं, अगर हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो वो नीचे से उनकी स्टेम वगैरह गल जाती है, ट्यूबर्स गलने लग जाते हैं। तो आप देख के पानी डालिए, अगर ऊपर की सॉइल पूरी सूख गई है तब आप पानी डालिए। जैसे अब है गर्मी है तो मिस्टिंग वगैरह करते रहिए, क्योंकि अब तो जैसे कि लू चल रही है, गर्म हवाएं, तो दो टाइम पानी दीजिए, चाहे थोड़ा थोड़ा, तो उससे ना प्लांट फ्रेश रहते हैं। जैसे कोलियस वगैरह है तो धूप में जब शाम तक इनको पास जाओ 4-5 बजे तक, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि प्लांट ये नहीं बच पाएगा ना, ये तो सर्वाइव करेगा ही नहीं ये प्लांट, तो ऐसे पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। तो जैसे पानी दो तो 10-15 मिनट में फिर उसमें ऐसी पूरी एनर्जी, ऐसे पूरा फ्रेश फील होता है। तो मिस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे जो सीज़न चल रहा है ना अब, और ये लू वाला, इसमें मिस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आप चाहे पाइप से करिए, चाहे कैसे भी हल्का हल्का वाटरिंग के साथ साथ इनकी मिस्टिंग कीजिए। उससे इतना एक तो फ्रेश रहते हैं प्लांट, तो देखने में भी साफ़ सुथरी लीव्स रहती हैं, और प्लस उनमें जान सी बनी रहती है क्योंकि ठंडक सी बनी रहती है। तो मिस्टिंग आप सारे प्लांट्स की करते रहिए। हाँ, कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें मिस्टिंग से फंगस का अटैक हो जाता है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं। अब एट ए टाइम तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जैसे कि हिबिकस हो गया, हिबिसिकस की इसके दोनों वैरायटी, दोनों तीनों जितनी भी हैं, स्लीपिंग हो गए, दूसरा हो गया, तो उसमें तो जब हम ओवर वाटर उसमें मिस्टिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं ना, उसमें फंगस का अटैक हो जाता है। और भी कई प्लांट्स ऐसे होते हैं, लेकिन कोलिस वगैरह में तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो जैस्मिन वगैरह में भी ऐसा कुछ नहीं होती प्रॉब्लम। तो आप वॉश कीजिए, चंपा है, चंपा में भी हो जाती है। तो आप नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे टाइमली करते रहिए। तो पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो हिबिस्कस है वो नहीं बच पाएगा नीम ऑयल की बिना ना, उसमें वो मिलीबग वगैरह या कुछ और अटैक होते ही रहते हैं, वो प्लांट ही ऐसा है। तो अगर उसकी भी फ्लावरिंग मैंने लेनी है, क्योंकि मैं दूसरे देसी वाले की वजह से तो नहीं लेके आ रही थी, क्योंकि मुझे था कि सारा मतलब कि जहाँ पे कुछ भी होता है ना, जैसे कि ये समझो ये तो वैसे सूखी है, तो मैं इसको तोड़ के फेंक देती हूँ। यहाँ पे मुझे कीड़ा मकोड़ा दिखे उस पत्ती को मैं तोड़ के फेंक देती हूँ। तो मतलब कि मैं आपको जैसे रोज़ बता रही हूँ कि रेगुलर बेसिस पे सुबह शाम मैंने चक्कर तो लगाना ही, हर प्लांट को अच्छी तरह मैंने देखना है। तो उससे ही मतलब कि हम ज़्यादा मुझे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत वगैरह नहीं पड़ती थी, पेस्टिसाइड वगैरह की, प्लांट मेरे चलते रहते थे। और लोकेशन मेनली होती है इनकी, लोकेशन अगर हम बिल्कुल सही सेट करेंगे ना, तो पानी भी ऊपर नीचे हो जाए या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम प्लांट में हो जाए तो वो बर्दाश्त कर सकता है। अगर हम उसकी लोकेशन ही उसकी हम अगेंस्ट ही उसकी चूज़ करेंगे, तो फिर प्लांट सर्वाइव नहीं करता, या फिर उसकी ग्रोथ जो होती है ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाती है, या फिर सब कुछ मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट इन चीज़ों का पड़ता ही पड़ता है। और जो सुख शांति का प्लांट होता है, जो मतलब कि मेरी मेन एंट्रेंस पे पहले मैंने रखा था, अब मैंने अंदर वाली साइड पे मेन एंट्रेंस पे रखा हुआ, इतना भर भर के, क्योंकि मैंने उसकी ना सॉफ्ट पिंचिंग कर दी थी स्प्रिंग सीजन में, तो इतना हरा भरा प्लांट, इतना हरा भरा। उनमें फ्लावर का तो कुछ इतना होता नहीं है, वो थोड़े मोटे वाइट से आते हैं, वो कोई इतने खूबसूरत उसके फ्लावर्स नहीं होते हैं, मेनली वो लीव्स के लिए होते हैं। तो इतना बुशी बन गया ना वो काफ़ी ज़्यादा। और कोलियस तो मेरा कहने के हैं, एक कोलियस मैंने बड़े पॉट में लगाया, दूसरे मैंने सारे छोटे छोटे में लगाए हुए हैं, क्योंकि फिर पता है दूसरे सीजनल के लिए जगह नहीं बची होती। मुझे जो मेन एंट्रेंस पे लगाने होते हैं, मैंने एक कोलियस रख दिया, मन तो ये कर रहा है कि सारी वैरायटीज उसकी रखूँ, लेकिन वहाँ पे रोज़ भी रखा हुआ है, जैस्मिन भी हो गई है, फिर उसमें जिनिया हो गया है, गॉम्फ्रिना हो गया, कॉस्मस हो गए हैं, बालसम हो गए हैं, ये सारे भी रखने थे मुझे सीजनल भी। तो फिर उसकी वजह से मैं कोलियस का एक ही रख पाई हूँ, लेकिन एक ने इतना गज़ब कहर डाया हुआ है, इतना प्यारा, पूरे पॉट को ऐसे लदा पड़ा है वो प्लांट,
बहुत ही प्यारा लग रहा है वो। और कॉलीज मतलब कि बस ये है कि उसकी मिस्टिंग वगैरह सुबह सुबह कर दीजिए, फिर शाम को भी उसको पानी ज़रूर दीजिए, अदरवाइज़ वो प्लांट नहीं बचने वाला। तो हर प्लांट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किसी प्लांट को कैसे, किसी प्लांट को कैसे, तो खुद समझिए आप अपने प्लांट्स की नीड, है ना। अगर हम रोज़ उनको देखते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि प्लांट में ये हुआ है, ये नहीं हुआ, मैंने ये किया तो प्लांट का ऐसा रिस्पॉन्स है, इसमें ये हुआ वो हुआ। ये हमारा मतलब खुद का एक्सपीरियंस जो होता है, एक्सपीरियंस से बंदा ज़्यादा सीखता है। तो इन चीज़ों को आप नोट करते रहिए कि कैसे कैसे आपके प्लांट किसको ज़्यादा। हाँ, दूसरी बात, पॉट भी कितना मतलब कि इसमें रोल, पॉट का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो मिट्टी के पॉट में है, सीमेंट के पॉट में है, या वो प्लास्टिक के पॉट में है, या सेरेमिक पॉट में है। इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लास्टिक पॉट में पानी काफ़ी टाइम रुकता है, इतनी जल्दी ड्रेन आउट तो पानी हो जाएगा, लेकिन जितनी भी उसकी मिट्टी है वो ज़्यादा सूखती नहीं है, वो गिल्ली नमी रहती है वो। और सीमेंटेड पॉट होगा आपका, बहुत जल्दी सुबह पानी दिया तो 2-4 घंटे में पॉट पूरा सूख जाएगा। मिट्टी के पॉट भी ऐसे ही हैं सेम, वो पानी बहुत जल्दी सूख जाता है क्योंकि वो काफ़ी पोरस होते हैं वो, तो उनमें वो सोख लेते हैं। लेकिन प्लास्टिक में ये वाला नहीं है रोल। तो ये बात नहीं है कि प्लास्टिक की पॉट ही सही है, कोई भी सही है, हर किसी का अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। लेकिन गर्मियों के हिसाब से अगर आप एक आधा दिन कहीं गए हैं और प्लास्टिक के पॉट को पूरा भर के चले गए हो आप, तो पानी इतना नहीं सूखता इतनी जल्दी। लेकिन सीमेंट के पॉट में तो ये नहीं है, वो तो पानी सूखेगा ही सूखेगा। दूसरी बात, प्लांट्स को बचाने के लिए आप कुछ ना कुछ, अगर आपको लग रहा है पानी बिल्कुल नहीं ठहर रहा, सारे पॉट आपके मिट्टी के हैं या सीमेंटेड पॉट्स हैं और रुखे सूखे हो जाते हैं 2-3 घंटे के बाद, जैसे आपने सुबह पानी डाला, जैसे 12-1 बजे अगर वहाँ पर धूप आ रही है, बिल्कुल सूखे हैं, आप वहाँ पर टर्टल वाइन, बोलीवियन ज्यू, ऐसी ऐसी बहुत सारी होती हैं जो मतलब कि उसको पॉट को कवर कर लेती है, नीचे से पूरी जकड़ लेती है मिट्टी को। तो ऐसे ऐसे आप लगा सकते हैं प्लांट्स ना, छोटे छोटे सकुलेंट्स ऐसे आप लगा सकते हैं। तो और कौन से हो गया, बोलीवियन ज्यू हो गया, वंडरिंग ज्यू हो गया, ये सारे टर्टल वाइन और बोलीवियन ज्यू तो एक ऐसी वाइन्स हैं जो बिल्कुल जकड़ लेती है मिट्टी को, मतलब कि जो पानी इसमें रह गया तो रह गया, वो काफ़ी टाइम तक उसको पकड़ बना के रखती है, नमी बरकरार रखती है प्लांट में। तो आप ये करके देखिए, अगर आपके लग रहा है कि आप मतलब कि बार बार पानी नहीं दे सकते हैं और प्लांट्स रुखे सूखे हो गए हैं, तो अब तो मैंने निकाल दी एक्चुअली टर्टल वाइन और पोलिविन जी बहुत ज़्यादा हो गई थी, वंडरिंग जी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरे पास, सारे पॉट्स पे मैं पहले लगाती रहती थी, अब मैंने निकाल ली है उसकी, इसकी जगह पे मैंने सीजनल छोटे छोटे लगाए हैं या कुछ विनका वगैरह मैंने लगाने थे, तो इसलिए मुझे मैंने वो निकाल दिए हैं। लेकिन मैं तो फिर हाउसवाइफ हूँ तो